सो गाइस, काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आईफोन 6s को क्या अब और अपडेट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सब कुछ कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो आईफोन 6s लवर्स हैं, क्योंकि 6s पर ज़्यादातर वीडियो मैंने डाली हैं और ज़्यादातर लोग जो है 6s की वीडियोज़ पसंद करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें और अपडेट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो अभी 6s में अपडेट चल रहा है लेटेस्ट, वो है iOS 15.7.3, जो कि गाइस जो है एक महीना हो गया है, पूरा एक महीना पहले आया था ये अपडेट, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इस अपडेट को अपने आईफोन 6s में जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ आईफोन 6s में अब अपडेट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो मैं बता दूँ कि जो है अब जो iOS का अपडेट होता है, जैसे iOS 15 था, iOS 16 आया, तो iOS 16 तो इस अपडेट को, इस फ़ोन को तो मिला नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ये तो जान सकते हो कि आपको एक बड़ा अपडेट जो होता है iOS 17 टाइप का, वो तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे अभी काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम का मतलब मेरा ये है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आईफोन 5s को भी है जो कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स जो एप्पल ने वो दिए थे। इसका मतलब ये है अभी आज के टाइम पर भी आईफोन 5s यूज़र भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और उसके बाद आया था आईफोन 6s, फिर आया था मतलब 6s प्लस वगैरह, अभी मार्केट में 7 भी बहुत चल रहा है। जबकि 7 और आईफोन 6s में सेम अपडेट जो है मिलते हैं, क्योंकि iOS 16 का अपडेट ना तो आईफोन 6s में आया था ना तो आईफोन 7 में आया था। तो जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, मेरे हिसाब से जब तक आईफोन 6s में मिलेंगे, जब तक आईफोन 7 मिलेंगे, और तब तक ये आईफोन SE जो फर्स्ट जनरेशन वाला था तब तक उसमें मिलेंगे। ये तीनों ऐसे फ़ोन हैं जिनमें मुझे लगता है बराबर अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स। सो इसका अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो आप लोग पता होगा कि जो है जैसे आईफोन 5s को अभी 2023 में अपडेट मिला था सिक्योरिटी वाला, तो यहाँ पे उसको 9 साल एक तरीके से बोल सकते हो, 9 साल हो चुके हैं इस फोन को। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है आईफोन 6s को, ये 2015 में आया था, तो यहाँ पे अभी 2023 चल रहा है, तो 8 साल हो गए हैं एक तरीके से मान सकते हो, बट अभी कंप्लीट 8 साल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि 1 साल तक आपको और 1 से 1.5 साल तक सिक्योरिटी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब आपको जो है पता चलेगा कि कोई वायरस तो नहीं आ रहा, उस टाइम पे जो है एप्पल आपको अच्छे अच्छे सिक्योरिटी अपडेट जो है वो दे देता है। तो अगर आपके पास आईफोन 6s है या फिर आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन या फिर आईफोन 7 है, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी आईफोन है, तो आप इन तीनों ही आईफोन्स में जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, जो मेन ऐप्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल तक जो है आप आराम से यूज़ कर पाओगे, अगर बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है तो। क्योंकि ये जो है अपडेट्स जो है अभी इसमें मेन अपडेट्स तो मिलना बंद हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। इस वजह से आप जो है 1 से 1.5 साल तक आप अपने आईफोन 6s में, आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन में और आईफोन 7 में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और UPI जैसी पेमेंट्स का ऐप जो है ये सब इस्तेमाल कर पाओगे। हालांकि आईफोन 6s में अमेजोन UPI नहीं चलती है, बट पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह अभी भी काम करता है, और ये UPI ऐप्स कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि इनको लेकर के ज़्यादातर जो है अपने कंपनियां ध्यान देती हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड ऐप्स हैं जो है, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे कोई भी चूक नहीं हो सकती है कंपनियों से, तो आपको जो है हो सकता है ये ऐप्स पहले ही बंद हो जाए आपके फ़ोन्स में। बट मुझे लगता है 1 साल तक आराम से जो है आईफोन 6s में, आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन में और आईफोन 7 में, ये तीनों ही फ़ोन्स में ये जो नॉर्मल ऐप्स हैं आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाली, वो आपको जो है चलती रहेंगी। तो अपडेट्स 1 से 1.5 साल तक अभी और सिक्योरिटी अपडेट्स मिल सकते हैं, बाकी कोई अपडेट जो है वो नहीं मिलने वाले हैं। बाकी एप्पल कुछ भी कर सकता है, ये हम सिर्फ देखते रह सकते हैं। बाकी आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई अपडेट आएगा आईफोन 6s के लिए, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और अभी जो स्टेबल अपडेट है iOS 15.7.3 वो चल रहा है, काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, बट मैं इस फ़ोन को इस बक्से में रखता हूँ उसको बंद करके, क्योंकि मैं इस फ़ोन को यूज़ करता नहीं हूँ, तो इस फ़ोन में जो बैटरी है वो अभी 0 है, क्योंकि एकदम डेड हो जाता है तभी मैं रखता हूँ फ़ोन को, चार्ज करके बिल्कुल मैं नहीं रखता हूँ। तो फ़ोन पूरा खाली वापस से इसको मैं पैक कर दूंगा, और बाकी अपडेट्स जो है अभी स्टेबल जो चल रहे हैं वो इन दोनों फ़ोन्स की जो वीडियोज़ जो आपको इसी चैनल पर मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कोई अपडेट आएगा उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।